आपका स्वागत है सेकंड एपिसोड ऑफ माइक। पहला जो एपिसोड है वो मैंने पोस्ट किया था टू मंथ्स पहले और अभी मिल चुका है क्योंकि या बहुत समय हो चुका है और अभी इसलिए मिला क्योंकि जो लॉकडाउन था उसके कारण बहुत डिले हो गया और अभी मेरे पास है। आई गॉट इट। सो घर चल के इसका रिव्यू करेंगे। ओके सो लेट्स गो। तो ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, अमेज़ॉन का डब्बा। देखिए एक ट्रुथ बताया जाए तो जो एडवर्टाइजमेंट्स में जो डब्बा दिखाते हैं उसके मतलब जो देखा जाता है वो सही नहीं होता उसमें। तो ये देखिए कितना डैमेज हो गया है, आप देख सकते हैं कितनी इन अ वे बहुत बुरी क्वालिटी का कार्डबोर्ड से इसे कवर किया गया है। और ये तो हमेशा ही रहता है, ये जो टेप लगाया जाता है, और अगर रियल लाइफ में देखे जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऊपर एक इमेज है, मैं लगाना पड़ेगा अभी, और कुछ ऐसा दिखता है। तो रियल लाइफ का आप देख ही सकते होंगे पूरा डैमेज वैमेज हो चुका है। ये देखो। एनीवे लेट्स गो होम। तो मैं हूँ अपने घर में और मैंने नए कपड़े पहन रखे हैं, ये बहुत अच्छे दिखते हैं। एनीवे सो लेट्स गेट टू द अनबॉक्सिंग ऑफ जेबेल्स, क्या नाम था भाई, RC02। सो या तो मेरे जो पैकेज था उसके अंदर मुझे ये दो कंपोनेंट्स मिले। तो पहले जाते हैं इस डब्बे के पास। तो इस डब्बे में आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा वाइट फिनिश का डब्बा है और ये जेबेल का जो लोगो है वो यहाँ पे लगा है और कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। तो चलते हैं इसके मेन पार्ट्स के अंदर। तो जैसे ही आप इसे खोलोगे आपको मिलेगा एक टेम्पलेट जिसमें आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो सभी बताया जाएगा। और आप देख सकते हैं इनके दो मॉडल्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये और ये, मैंने ये वाला ख़रीदा है। तो उसके बाद इसे हटाने के बाद आपको रियल कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आपको मिलता है ये XLR2 3.5mm जैक, 3.5mm कॉर्ड, और उसे साइड में रखने के बाद आपको दिखता है ये फोम जो पॉप फिल्टर कहा जाता है। और आपको मिलेगा एक ओ भाई बहुत हार्ड है, आपको मिलेगा एक प्यारा सा शॉक माउंट। और उसके बाद आपको मिलेगा द मेन अट्रैक्शन, जेबेल का RC02 माइक्रोफोन। इसे पेपर से निकाल देते हैं। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और ओ भाई ये क्या, मैं इससे छिड़काने नहीं पाऊंगा। ओके तो थोड़ा हैवी है, थोड़ा लाइट है। और पीछे आपको ये दिखेगा XLR का जो आउटपुट होता है, और इनपुट और ग्रीन कलर का है। यहाँ पे आपको RC का जेबेल का जो लोगो है वो दिखता है। और ये मेश है, स्टील मेश है ये, और इसका अंदर वो जो माइक होता है वो होता है। और उसके बाद इसे साइड में रखते हुए देखते हैं माइक स्टैंड को। तो ऐसे खोल देते हैं, खोल दिया, और खुलते ही आपको पहले ये मिलेगा, ये जो है ये जो टेबल में वो लगता है, ये टेबल में लगता है। और उसके बाद आपको असली स्टैंड मिल जाएगा, ये आप इसके अंदर है ना, यस। तब देखो साइड में रखते हैं और आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा स्टैंड हमें मिल चुका है। तो बेसिकली ये कैंडेंस जो कंपनी है उन्होंने ये बनाया है। और बेसिकली जो ये कंपनी जो सारे आइटम्स ऐसे स्टैंड वगैरह बनाती है वो मोस्टली ये स्प्रिंग्स इंक्लूड करती है। इसका रीज़न मेरे को नहीं पता कि ये स्प्रिंग्स क्यों डाले जाते हैं, अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और तो ये थे जो सारे पार्ट्स, और इसे असेंबल करते हैं अभी।
तो असेंबली के फर्स्ट स्टेप में मैं पता है क्या करना चाहूँगा, इसे खोल के जो है ये कनेक्टर जो है इसे मैं लगाना चाहता हूँ। इसे निकाल देते हैं इस पेपर कवर से, और इसे ऐसे लूज करने तक, जो है इसके अंदर फिट होने तक इसे लूज करिए। और ये मेरा फिट हो चुका है यहाँ पे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ज़्यादा टाइट मत करिए, जितना है उतना ही रहने दीजिए, और ये है एकदम टाइट। और मैं अभी इसे यहीं पे रखूँगा आपको दिखाने के लिए, बट इसके बाद मैं इसे साइड में रख दूँगा, ताकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी जो आवाज़ है, तभी आपको वो देखने में इजी हो जाएगा। तो ओके, तो उसके बाद हमें स्टैंड लगाना पड़ता है, कुछ इसे देखकर लगाना पड़ता है कि ये किस डायरेक्शन में है और वगैरह वगैरह। तो मैं एंगल चेंज कर लेता हूँ 2 मिनट। ओके, तो इसे लगाने के लिए बस आपको इसे इसके अंदर डाल देना है, और जो यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है उसे टाइट कर लेना बेसिकली। ये हो गया, ये अंदर हो गया है, और ये ज़्यादा ओवर टाइट मत करिए, ताकि ये तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और उसके बाद जब आपको माइक लगाने का है तो इसे निकाल दीजिए बस आराम से, ऐसे इसे साइड में रख देते हैं, और हम निकाल लेते हैं अपना शॉक माउंट। बारिश शुरू हो गई यहाँ, यहाँ पे अभी बहुत बारिश हो रही है। बहुत अच्छी पैकिंग की है, गुड जॉब। ओके, तो इसे लगाने के लिए हमें ऐसे डालना पड़ता है, और इसे लूज कर दीजिए मैंने, और इसे यहाँ पे ऐसे डाल देना है। एंड बिल्कुल देखना पड़ेगा, तो ये हमने लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइट भी इसे मत कीजिए। और मैं इसकी जो है इसका लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, अभी मेरा मुंह बैरली दिख रहा है, तो आई बी बैक। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया है, अभी से बहुत क्या एक जो फील होता है ना, मतलब क्या बोल सकते हो, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अभी से। तो उसके बाद हम डालेंगे अपना माइक जो यहाँ पे लगता है, और ये हमने माइक दिखा लिया है, और ये जो दोनों क्लिप हैं इसे लूजन करके, जो ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड में जो होता है इसमें बेसिकली एक साइड से रिकॉर्ड होता है, तो जिस साइड में जो ब्लैक डॉट लगा हुआ है उस साइड से रिकॉर्ड होता है, मतलब हम ज़ेबल को देख पाना चाहिए हम। तो ये हम ऐसे ही से लगा देते हैं बस, और हो गया से हो गया। ओके, तो ये हो गया, अभी हमें ये फोम डाल देते हैं इसका पॉप फिल्टर। तो बेसिकली पूरा जो माइक का जो कंपोनेंट्स है, मतलब जो मेश है, वो कवर होना चाहिए इससे, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, तो ये हो चुका है, अभी काम है हमें ये जो केबल लगाना है ना, तो केबल लगाते हैं। चलो ये निकाल लिया, बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल डिज़ाइनिंग है यहाँ पे, ओ भाई बहुत हार्ड है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत लगता है ये डालने में। मैंने लगा बस आराम से घुस जाएगा, बट नहीं, बहुत काम लगाना पड़ता है इसमें। तो अभी केबल मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, या मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो मैं अभी मेरे लैपटॉप जो यहाँ पर है
इससे मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं अभी सुना देता हूँ और या आप तो देखते हैं। गाइस, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, ये जो माइक है ये हमें धोखा दे दिया। तो ये बेसिकली ऑडियो स्प्लिटर के बिना काम नहीं करता, तो उसमें बताया गया है, पर क्या करें, मैं उस टाइम में इतना ज़्यादा सोचा नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था। तो अभी मैंने नया जो स्प्लिटर है वो मैंने ऑर्डर किया है, तो उसमें कुछ 8 से 12 दिन लगेंगे, तो बाद में मिलते हैं आपसे। तो बेसिकली ये इस वीडियो का एंड होगा, ये पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 में सारा सेटअप दिखा दूंगा मैं। और अगर अगर पसंद आए तो लाइक मार दो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर आप नया हो यहाँ पे, और शेयर करो इस वीडियो को, तो ताकि हम बहुत लोगों का जो है कम्युनिटी हम बना सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्टे सेफ, बाय।